15 साल बाद जेठालाल ने लिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा से ब्रेक। दयाबेन के बाद अब जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी भी नहीं दिखेंगे गोकुलधाम में। छोड़कर शो का काम धाम धार्मिक यात्रा पर निकले दिलीप जोशी। शो में जेठालाल को नहीं देख फैंस के बीच मची खलबली। जी हाँ, सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से आई वो खबर जिसने शो के लाखों दर्शकों खासतौर से एक्टर दिलीप जोशी के फैंस को मायूस कर दिया। लंबे वक्त से शो की जान दयाबेन यानी कि एक्ट्रेस दिशा वकानी शो से गायब है। 5 साल बाद शो के मेकर्स दयाबेन की वापसी शो में नहीं करवा पाए और अब तो दिलीप जोशी के भी शो से ब्रेक लेने की खबरें आई। दिलीप उर्फ जेठालाल के शो छोड़ने की खबरें जैसे ही सुर्खियों में छाई, शो के लॉयल फैंस की भी चिंता बढ़ गई। वो भी तब जब शो के मेकर्स बुरी तरह से विवादों में घिरे हैं, जहां एक तरफ लाख कोशिशों के बाद भी दिशा वकानी कमबैक करने को तैयार नहीं, तो बीते दिनों एक्ट्रेस जेनिफर मिस्ट्री समेत कई स्टार्स मेकर्स पर बुरा व्यवहार करने के आरोप लगा चुके हैं। वहीं दिलीप के शो छोड़ने की खबरों ने विवादों के इस आग में घी का काम किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों शो में बबीता जी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने शो के सेट पर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस सेलिब्रेशन में भी दिलीप जोशी दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद से ही दिलीप के शो छोड़ने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। वहीं दिलीप के शो छोड़ने की खबरें जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई तो उनके फैंस भी चिंता जताने लगे। हालांकि आपको बता दें कि दिलीप जोशी ने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ा नहीं है, वो अभी भी इस शो का हिस्सा है। हालांकि ये बात सच है कि दिलीप ने टीवी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शो से एक ब्रेक जरूर लिया है। दरअसल दिलीप ने ये ब्रेक एक धार्मिक यात्रा के लिए लिया। वो इन दिनों तंजानिया में एक धार्मिक यात्रा के लिए गए हैं। दिलीप जोशी से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया, दिलीप ने अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से एक छोटा ब्रेक लिया है और फिलहाल वो अपने परिवार के साथ तंजानिया की एक छोटी धार्मिक यात्रा पर हैं। वहां स्वामीनारायण मंदिर में होने वाले फंक्शन में हिस्सा लेंगे। दिलीप जोशी अबू धाबी भी जाएंगे। यानी ये बात तो साफ है कि दिलीप जोशी अभी भी इस शो का हिस्सा है। जानकारी के लिए बता दें कि दिलीप शो की शुरुआत से ही जेठालाल का रोल प्ले कर रहे हैं। एक वक्त था जब दिलीप जोशी को काम मिलना बिल्कुल बंद हो चुका था, यहाँ तक कि एक अदद रोल के लिए वो फिल्म प्रोड्यूसर्स और शो मेकर्स के ऑफिस के चक्कर काटने के लिए मजबूर थे। साल 2008 में डायरेक्टर असित मोदी ने दिलीप जोशी को जेठालाल का रोल ऑफर किया और अब जेठालाल का किरदार टीवी की दुनिया के आइकॉनिक रोल्स में से एक है। जेठालाल के रोल ने दिलीप जोशी को नेम और फेम दिया। बीते 15 सालों में दिशा वकानी, जेनिफर मिस्त्री, शैलेश लोढ़ा समेत कई सेलेब्स ने शो को छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।